A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friends, kaise hain aap sab? Ummeed karti hu aap sab bilkul khairiyat se honge. Friends, aaj ki video summer season ke hawale se hai aur jo remedy main aapko batane ja rahi hu wo bahut hi zabardast hai. और इंग्रेडिएंट जो भी आज मैं बताऊंगी वो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे. जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो होम रेमेडी है वो आपकी स्किन को चार चांद लगा देगी. वो समर सीज़न के बिल्कुल एंड मुताबिक है और ये हर स्किन के तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. समर सीज़न में आपकी स्किन को ज़्यादा फ्रेश करने के लिए और बहुत ज़्यादा ग्लो करने के लिए ये आज की रेमेडी मैं लाई हूँ. आज मैं आपको बताऊँगी कि समर से होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि दाने, मुरझाया हुआ चेहरा, इन सब को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी. इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. ये किसी भी एज के फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ. आपको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये गर्मियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. और फ्रेंड्स, उसके बाद हम एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, वो है संदल का पाउडर. संदल का पाउडर आपने ऐड करना है और ये आपकी स्किन को बहुत कूल रखेगा. और आपने ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना बल्कि थोड़ा सा मिलाना है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूल रखने में अहम एक किरदार अदा करेगा. और ये जो है ये आपकी स्किन को दानों से बचाएगा और डार्क स्पॉट को ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को यंग भी बनाएगा. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल. इसका एक चम्मच आप डाल लें और इसको भी आपने अच्छे से ऐड करके मिक्स करना है. और एट द एंड जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो है रोज़ वाटर. रोज़ वाटर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये डस्ट और एलर्जी वगैरह से हमें महफूज रखता है और अगर इसको डेली आप अपने फेस पे यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा. और रोज़ वाटर ऐड करने के बाद जी आपका पैक बिल्कुल तैयार है. अब बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें. ये आपका पैक बहुत स्मूथली हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन में ये हेल्पफुल होगा. आप लोग जानते हैं कि समर में तो सबकी स्किन ऑयली हो जाती है क्योंकि फेस पे ऑयल आ जाता है. जैसी भी स्किन हो ज़रूर थोड़ी बहुत ऑयली हो ही जाती है. फ्रेंड्स, जिसकी स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं तो इन पिंपल्स को ख़त्म करती है ये. और फ्रेंड्स, इसमें हमने जो रोज़ वाटर ऐड किया है आप उसकी जगह खीरे का जूस भी ऐड कर सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. फ्रेंड्स, आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है. आपने इस पैक को लगाना है अपने फेस पे मिक्स करने के बाद और कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. फिर आप जब फेस को वॉश करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा. आज की वीडियो के साथ साथ मैं आज का लेसन आपको बताती चलूं, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पे छोड़ दो. जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा खुद ही उसमें गिरेंगे. और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने ही हाथों खोदे कुआं में गिरते नज़र आएंगे. फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.